सुमित्रा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों में काम किया। यह 1940 से 60 के दशक के दौरान सक्रिय थी और इस दौरान इन्होंने इन दिनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया। यह क्लासिक युग की अग्रणी महिला सितारों में से एक थी जो अपने सुंदरता के साथ साथ प्रतिभा के लिए भी जानी जाती थी और इन्हें 1945 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार से सहित कई सम्मान प्राप्त हुए थे। इनकी प्रसिद्ध बॉलीवुड भूमिकाएं में शामिल है जागते रहो, ममता, ऊंची नीच, भैया दूज आदि। इनके प्रसिद्ध बंगाली फिल्म पथ क्लासिक, साहेबा, भूमि, बीवी गुलाम, स्वामी, दस्यो मोहन, किनू गोवावलर, गली आदि है। सुमित्रा देवी का जन्म 22 जुलाई 1923 को सिवरी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका असली नाम नीलम चट्टोपाध्याय है। यह बंगाल के एक अमीर ब्राह्मण परिवार से थी। अभिनेत्री कानन देवी से प्रेरित होकर इन्होंने भी अभिनेत्री को बनने की ठान ली। हिंदी फिल्म मेरी बहन से इनका स्क्रीन डेब्यू हुआ और बहुत जल्द ही इन्होंने बंगाली फिल्म संधि साइन की। संधि पहले ही रिलीज हो गई और इस तरह इन्हें इनकी पहली फिल्म का श्रेय दिया गया। यहां से इन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों को बराबर तरजीह दी और पर्दे पर हर तरह का किरदार निभाए। इन्होंने 1946 में अभिनेता देवी मुखर्जी से शादी की और अगले वर्ष एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 10 दिन बाद 11 दिसंबर 1947 को इनका पति का निधन हो गया। इसके बाद इन्होंने अपना फिल्म सफ़र जारी रखा। भारतीय सिनेमा में इनका शासन के दिनों के दौरान यह कहा जाता था कि यह अपने सहअभिनेताओं, निर्देशक, निर्माताओं और पत्रकारों को भी लुभाती थी। इनकी खूबसूरती की तारीफ इनके समकालीन अभिनेता भी कर चुके हैं। क्लासिक युग की कई बंगाली हिट फिल्मों में इनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ थी। 1960 में 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।